आजकल नवी मुंबई में चोरी और डकैती की घटनाएं होना आम बात हो गई हैं। हालांकि उसके लिए हम पुलिस को कसूरवार मानते हैं, मगर हम यह भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें हम ईमानदारी से नहीं निभाते और उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। जी हाँ, यही सच है, क्योंकि पनवेल में रहने वाले जिगर शाह इस बात की जीती जागती मिसाल है। पनवेल स्थित मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी में विमल प्रभा इमारत में रहने वाले जिगर शाह को 100-200 नहीं बल्कि 8,30,000 रुपयों से हाथ धोना पड़ा है। गौरतलब है कि जिगर शाह 3 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार समेत मुंबई में अपने रिश्तेदार के पास गए हुए थे, मगर घर से निकलने से पहले उन्होंने घर का ताला नहीं लगाया था और न ही सेफ्टी डोर बंद किया था, जिसका फायदा लुटेरों ने उठाया और 8 लाख के सोने के गहने तथा 30,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि जिस अलमारी में सोने के गहने और नकदी रखी हुई थी, उस अलमारी की चाबी दूसरे अलमारी में रखी गई थी, जिसे खुला छोड़ दिया था। यानी लुटेरों को मानो लूट का निमंत्रण दिया गया हो। ऐसे में भला लुटेरे इस तरह के सुनहरे अवसर को कैसे गवा देते। और तो और, बताया जाता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद भी सोसाइटी में सुरक्षा रक्षक तैनात नहीं कर दिया गया था। ऐसे में जिगर शाह के पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं है। रोज के जैसे हम लोग सुबह, मैं और मेरी वाइफ जैसे अपने जॉब पे जाते हैं मुंबई, तो और यहाँ पे मम्मी और मेरी सिस्टर घर पे रहते हैं। तो कल हम सभी लोग बाहर थे, तो सुबह 10 बजे आखिरी बार जब मेरी छोटी दीदी ने घर बंद किया था, और जब शाम को सबसे पहले मेरी वाइफ आई थी घर पे, तो उन्होंने देखा कि मतलब ये बाहर से लॉक टूटा हुआ था, और अंदर जाके फिर लाइट वगैरह चालू करके देखा तो सब कबाट वगैरह खुला हुआ था, और मतलब उसमें से दागिने वागिने सब उनके दागिने, मेरी मम्मी के दागिने और सारे मतलब घर के सारी गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह उठा के चले गए, जो तकरीबन 8-8.5 लाख का मतलब वर्थ वैल्यू था। और फिर उसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस को लोग आए, तत्कालिक उन्होंने मतलब उनकी कार्यवाही शुरू कर दी, और हम आशा करते हैं मतलब जल्दी से कुछ ना कुछ हमें सुराग। हालांकि मामले की शिकायत पनवेल शहर पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है। शिकायत दर्ज होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी, मगर खबर लिखे जाने तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। ऐसे में जिगर शाह को इंतजार है पुलिस तफ्तीश के बाद लुटेरों का गिरफ्तार होने का, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आए दिन हो रही इस तरह की घटना के बावजूद भी लोग अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से बाज क्यों नहीं आते हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत ठाकुर के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल और विक्रम बाबर की रिपोर्ट।